जय श्री कृष्ण सज्जनों, मैं प्रहलाद मिश्रा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय एक अर्जुन विषाद योग में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए सर्वप्रथम इसका संक्षिप्त विवरण जान लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय एक अर्जुन विषाद योग में कुल 47 श्लोक हैं। प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। वह गीता के उपदेश का विलक्षण नाटकीय रंगमंच प्रस्तुत करता है, जिसमें श्रोता और वक्ता दोनों ही कुतूहल अथवा शांति के लिए नहीं, वरन जीवन की प्रगाढ़ समस्या के समाधान के लिए प्रवृत्त होते हैं। शौर्य और धैर्य, साहस और बल, इन चारों गुणों की प्रभूत मात्रा से अर्जुन का व्यक्तित्व बना था। और इन चारों के ऊपर दो गुण और थे, एक क्षमा और दूसरी प्रज्ञा। बल प्रधान क्षत्रिय धर्म से प्राप्त होने वाली स्थिति में पहुंचकर सहसा अर्जुन के चित्त पर एक दूसरे ही प्रकार के मनोभाव का आक्रमण हुआ, कार्पण्य भाव का। एक विचित्र प्रकार की करुणा उसके मन में भर गई और उसमें उसका क्षत्रिय स्वभाव लुप्त हो गया। जिस कर्तव्य के लिए वह कटिबद्ध हुआ था, उससे वह विमुख हो गया। ऊपर से देखने पर तो इस स्थिति के पक्ष में उसके तर्क धर्मयुक्त जान पड़ते हैं, किंतु उसने स्वयं ही उसे कार्पण्य दोष कहा है और यह माना है कि मन की इस कातरता के कारण उसका जन्म सिद्ध स्वभाव उपहत या नष्ट हो गया था। वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि युद्ध करे अथवा वैराग्य ले ले, क्या करे क्या न करे, कुछ समझ में नहीं आता था। इस मनोभाव की चरम स्थिति में पहुंचकर उसने धनुष बाण एक ओर डाल दिया। कृष्ण ने अर्जुन की वह स्थिति देखकर जान लिया कि अर्जुन का शरीर तो ठीक है, किंतु युद्ध आरंभ होने से पहले ही उस अद्भुत क्षत्रिय का मनोबल टूट चुका है और बिना मनोबल के यह शरीर खड़ा नहीं रह सकता। अतएव कृष्ण के सामने एक गुरु कर्तव्य आ गया। अतः तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, कर्म की चर्चा से, विश्व के स्वभाव से, उसमें जीवन की स्थिति से, दोनों के नियामक अव्यय पुरुष के परिचय से और उस सर्वोपरि परम सत्तावान ब्रह्म के साक्षात दर्शन से अर्जुन के मन का उद्धार करना, यही उनका लक्ष्य हुआ। इसी तत्व चर्चा का विषय गीता है। पहले अध्याय में सामान्य रीति से भूमिका रूप में अर्जुन ने भगवान से अपनी स्थिति कह दी। अथ प्रथमो अध्याय है। इस अध्याय के प्रारंभ में श्लोक 1 से 11 में दोनों सेनाओं के प्रधान प्रधान सूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन है। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजोत्सवः माम कः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया,
धृतराष्ट्र के इस वाक्य में उसके मन की व्यथा स्पष्ट झलकती है कि वह दिल से युद्ध नहीं चाहता था, परंतु क्या किया जाए। कई बार परिस्थितियां पुरुष पर इतनी हावी हो जाती हैं कि वह चाहकर भी होनहार को नहीं रोक सकता है। और सज्जनों, महाभारत तो ऐसा प्लेटफार्म है जहां इंसान ने ही नहीं भगवान ने भी प्रयास करके देखा है, परंतु युद्ध अवश्यंभावी हो गया। शायद इसीलिए संसार होनहार को नमस्कार करता है। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अगर यहाँ गौर से देखा जाए तो दुर्योधन के वचनों में व्यंग छुपा हुआ है जो कि एक योद्धा को शोभा नहीं देता। वह कहता है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। और फिर वह पांडव सेना के महारथियों का परिचय देता है। अत्र शूरा महिष्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरोजित कुन्तीभोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगवः युद्धामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रौ द्रौपदीयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैभ्य पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इसके बाद दुर्योधन अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के बारे में बताता है, मानो वह गुरु द्रोणाचार्य को आश्वस्त करना चाहता है। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितेंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा
विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अनीच बहवह सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। आगे श्लोक 12 से 19 में दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन है। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच शंख दद्मौ प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भीर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्य हन्यन्त सहशब्दस्तु मुलोभवत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ।
सज्जनों इधर पांडव रणभूमि में आ तो गए थे, परंतु वो आखिरी वक्त तक युद्ध को टालने की संभावनाएं तलाश रहे थे। आगे आप देखेंगे कि अर्जुन स्वयं दोनों सेनाओं के बीच में रथ लेकर जाएंगे और देखेंगे कि किन किन महानुभावों से युद्ध करना पड़ेगा। किंतु उधर भीष्म पितामह ने शंखनाद करके युद्ध के प्रारंभ की घोषणा कर दी और उनके सिपहसालारों ने रणभेरी बजा दी। अब पांडवों को क्रिया की प्रतिक्रिया देना आवश्यक हो गया और इसलिए न केवल पांडवों ने अपितु भगवान श्री कृष्ण ने भी शंखनाद किया और उनके महारथियों ने भी शंख बजाकर कौरवों को यह संदेश दे दिया कि आप एक शंख बजाएंगे तो हम 10 शंख बजाएंगे, अर्थात आप एक बाण मारेंगे तो हम 10 बाण मारेंगे। अस्तु। ततः श्वेतैर्युक्ते महती शंदने स्थिताव माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदीयाश्च सर्वसः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्ट द्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन
सब ओर से अलग अलग शंख बजाए।
सघोषोधार्तिराष्ट्राणां हृदयानि वदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। आगे श्लोक 20 से 27 में अर्जुन द्वारा सैन्य परीक्षण का प्रसंग है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत यावदेता निरीक्षेहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। सज्जनों, शंख ध्वनि हो गई, रणभेरी बज गई, यानी युद्ध की शुरुआत में कोई कसर नहीं रही। परंतु उधर राजमहल में धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित है। उधर रणभूमि के ही दूसरे छोर पर दुर्योधन युद्ध की तैयारियों को देखकर अति उत्साहित हो रहा है और इधर पांडव वीर यह सब देखकर अब भी हैरान परेशान है कि हमें शताब्दी नायक नहीं, सहस्त्राब्दी नायक नहीं, बल्कि युग पुरुषों से युद्ध करना होगा। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, दानवीर कर्ण, ये सब युग पुरुष ही तो थे और ये सब विपक्षी सेना में उपस्थित थे। जाहिर है अगर युद्ध हुआ तो चाहे न चाहे उन पर बाण छोड़ने ही होंगे और बाण किसी को नहीं पहचानते कि वह साधारण सैनिक है या युग पुरुष है, जवान है या बूढ़ा है, अपना है या पराया है। योत्स्यमानान वेक्षेहम् य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। सज्जनों, पूरे परिवार में एक दुर्बुद्धि दुर्योधन महाभारत में था और पूरे परिवार में एक दुर्बुद्धि कैकेयी रामायण में थी। यहाँ पर रामायण और महाभारत में तुलना करने पर मूल अंतर यही प्रतीत होता है कि महाभारत में पूरा परिवार एक दुर्बुद्धि दुर्योधन के पीछे लग गया, कोई पक्ष में तो कोई विपक्ष में, और अपने अपने हक के लिए लड़ने लगे, तो परिणाम में लगभग पूरा परिवार समाप्त हो गया। कोई स्वयं मारा गया तो किसी के पुत्र मारे गए
और उधर रामायण में पूरे परिवार ने एक दुर्बुद्धि कैकेयी को इग्नोर करके उपेक्षित करके प्रत्येक ने अपने अपने हिस्से का त्याग किया तो न केवल पूरा परिवार बचा राजा दशरथ को छोड़कर बल्कि आज तक युग युगांतर के बाद भी पूरा परिवार प्रत्येक हिंदुस्तानी के लिए पूजनीय बन गया। पूरे परिवार में कोई एक व्यक्ति स्वार्थ में इतना अंधा हो सकता है कि वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पूरे परिवार को लील लेना चाहता हो। यहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, वह कैकेयी की तरह स्त्री भी हो सकती है और दुर्योधन की तरह पुरुष भी हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में समझदारी यही है कि पूरा परिवार उसका बहिष्कार करे और अपने अपने हिस्से का जितना हो सके त्याग करने के लिए तैयार रहे। प्रयास तो करना चाहिए आदमी को, बाकी तो होनहार को नमस्कार है ही। उधर संजय आगे कहते हैं, संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरु नीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्चत स्थितान पार्थ पितृनथ पिता महान आचार्यान मातुलान भ्रात्रन पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा स्वसुरान सुरधैश्चैव सेनयोर उभयोरपि। इसके बाद प्रथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। आगे श्लोक 28 से 47 में मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन हैं। तान समीक्षय से कौन्तेय सर्वान बंधून अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विसीदन्निदम अब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले, अर्जुन उवाच दृष्टेव मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वीपथुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है
तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं श्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयम् कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये सामर्थे कांक्षितम नौराज्यम भोगः सुखानि च ते इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्यः पितरः पुत्रः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालः संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्ते राष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मान हत्वैतानात तायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयम् हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम् हि कथम् हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयम् अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्।
कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्चाद्भिर जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैर एतैः कुलग्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति तैनु सुश्रुमय। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यतः। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रारणी हन्युः तन्मे क्षेम तरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपास्थ उपाविशत् विसृज्य स सरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय है। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नाम का यह पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। तो सज्जनों, यह था श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अब मैं प्रह्लाद मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। इसके बाद हम मिलेंगे द्वितीय अध्याय में। जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, जय गोपाल जी की।